बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक स्पेनिश मूवी। इस मूवी में बाप और बेटे को एक ही लेडी से प्यार हो जाता है और इस प्यार के चक्कर में बेटा कुछ इस तरह से फंसता है जैसे आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ आफत आई। किन साइमन की नजर एक लेडी पे जाती है जिसको वो पहचान नहीं पाता। थोड़ी देर बाद में जब उस लेडी को वो अपने फादर के साथ इन्वॉल्व देखता है तो वो पूछता है कि ये कौन है, तो उसको पता चलता है कि ये लेडी उसके डॉक्टर फादर की सेक्रेटरी है। दरअसल और मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के तुम्हारी मॉम के साथ हॉलीडे पर चले गए हैं, और वो थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगती हैं क्योंकि वो लाइफ में सेटल्ड नहीं थी, उसको भी एक फैमिली चाहिए थी। जो वो साइमन के डैड के साथ हॉलीडे पर जाकर उससे शादी करके बनाने वाली थी, लेकिन साइमन के आ जाने की वजह से अब उसका प्लान चौपट हो गया है। साइमन को भी लगा कि उसके डैड कर तो गलत ही रहे हैं, तो साइमन सोनिया को कंसोल करने की कोशिश करता है और उसको टिश्यू पेपर देता है। सोनिया साइमन के गले लग के जोर जोर से रोने लगती है और काफी इमोशनल हो जाती है। वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई है कि अब वो साइमन को इमोशनल आउटबर्स्ट में किस करने लगी है, लेकिन जल्द ही इन दोनों को रियलाइज हो जाता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, और अब साइमन यहाँ से दूर हट जाता है और बाहर जाके ये सोचने लगता है कि वो ये क्या कर रहा है। उसकी मॉम ने उसको यहाँ पर काम करने के लिए इसलिए रखा कि वो सोनिया को उसके डैड से दूर रख सके, लेकिन अब वो खुद सोनिया के क्लोज हो रहा है। वो अपनी फैमिली के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में अब फंसता ही जा रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसको कहती है कि हमारा कार्टून फेस्टिवल 2 हफ्ते बाद में ही है, तुम कौन सा काम लेके बैठ गए हो, हम आर्टिस्ट हैं और हमें हमारा काम करना चाहिए। अब साइमन अपनी गर्लफ्रेंड और अपने माँ को किए हुए वादे के बीच में कुछ ऐसा फंसा कि ना तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ सकता है और ना ही अपने माँ के किए हुए वादे को तोड़ सकता है। अगले दिन साइमन सोनिया को जाके सॉरी बोलता है कि कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन सोनिया बड़े आराम से अपना सिर हिला के बोलती है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे सोनिया के लिए ये एक नॉर्मल सी बात हो। तो साइमन कहता है कि इसके बारे में मेरे डैड को मत बताना। तो सोनिया कहती है कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं तुम्हारे पीछे किसी लड़के के साथ इंगेज्ड हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़का तुम हो, मैंने इसलिए बताया कि उनका हॉलीडे खराब हो जाए। साइमन को भी लगा कि कहाँ फंस गए यार, तो वो सोनिया के जाने के बाद में सोनिया के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करने लगा क्योंकि सोनिया उसके डैड की एक्स पेशेंट थी, इसलिए वो सोनिया की फाइल निकालता है और वो पढ़ता है कि सोनिया सुसाइडल टेंडेंसी की पेशेंट थी जिसका ट्रीटमेंट उसके डैड ने किया था, और वो सोनिया की पूरी फाइल पढ़ लेता है। अगले दिन ये बात सोनिया को पता चल जाती है कि उसकी पेशेंट वाली फाइल जो कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कॉन्फिडेंशियल होती है वो साइमन ने पढ़ ली है। अब सोनिया अपनी फाइल ढूंढ रही है, वो नहीं चाहती थी कि उसकी सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में कोई और जाने। वो साइमन को कहती है कि तुम मेरी फाइल मुझे दे दो, साइमन उसको फाइल निकाल के दे देता है। सोनिया इमोशनली रोते हुए कहती है कि तुम्हें हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी चाहिए थी, तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ। सोनिया साइमन को अपनी फाइल देना नहीं चाहती, लेकिन साइमन उस फाइल को खींचता है तो सोनिया उसकी तरफ मुड़ जाती है और सोनिया फिर से एक बार साइमन को किस करने लग जाती है, और इस बार साइमन भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वो भी सोनिया के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ मोमेंट्स के बाद में सोनिया साइमन को कहती है कि यहाँ पे कोई आ जाएगा, हम नीचे चलते हैं। सोनिया नीचे जाने के लिए दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि एक क्लिनिक में दूसरे काम करने वाले लोग आए हैं और वो सोनिया को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। साइमन अपने आप को अंदर के रूम के दरवाजे के पीछे छुपा लेता है। इन लोगों के जाने के बाद में सोनिया और साइमन दोनों नीचे के रूम में चले जाते हैं। साइमन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। उसकी मॉम ने उसके डैड को सोनिया से दूर रखने के लिए ये सब कर
करने को कहा था, लेकिन अब वो खुद सोनिया के अट्रैक्शन में ऐसा फंसा है कि वो चाहकर भी अब यहाँ से जा नहीं सकता। साइमन सोनिया के साथ थोड़ी देर बैठ के बाहर के कमरे में बात करना चाहता है, लेकिन सोनिया को कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी थी। वो अंदर वाले रूम में जाके साइमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इन दोनों के बीच में एक पैशनेट लव मोमेंट बन जाता है। इंटीमेट होने के बाद में सोनिया साइमन को कहती है कि तुम्हें मैं घर छोड़ दूंगी, तुम मेरे साथ चलो। साइमन उसके साथ कार में जाता है और सोनिया उसको अपने घर के पास छोड़ देती है। सोनिया साइमन को कहती है कि कभी मेरे घर पर भी आओ। साइमन उसको किस करते हुए कहता है कि मैं जरूर टाइम निकाल के मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। फिर साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि आज सैटरडे है, अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे घर पे आ सकते हो। साइमन अब सोनिया के घर पे चला जाता है। वो देखता है कि सोनिया अकेली फ्लैट में रह रही है। वो सोनिया के पास जाता है और थोड़ी बातें करने के बाद में ये दोनों किस करने लगते हैं और इंटीमेट होते हैं। सोनिया साइमन को डिनर सर्व करती है। डिनर टेबल पर ये दोनों एक दूसरे से काफी बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफी क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन सुबह जब साइमन उठता है तो वो देखता है कि सोनिया मार्केट से कुछ लेने के लिए जा चुकी है और वो देखता है कि उस फ्लैट में उसके डैड और उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया की एक तस्वीर रखी हुई है। उसको ये समझ में आ जाता है कि ये फ्लैट उसके डैड ने ही सोनिया को दिया है। तभी वो देखता है कि उसके डैड हॉलीडे एंजॉय करके वापस आ चुके हैं। उसके डैड सोनिया के घर में साइमन को देख के थोड़े शॉक हो जाते हैं, तो वो साइमन को पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर साइमन उल्टा अपने डैड से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उसका डैड उसको बताता है कि ये मेरा ही फ्लैट है और मैं यहाँ पे एक बुक लेने आया हूँ। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि सोनिया को एक बेबी चाहिए। सोनिया मेरे साथ इसलिए रिलेशन में है कि उसको एक बेबी चाहिए। और वो कहता है कि मेरी तो ऑलरेडी वैसेक्टोमी हो चुकी है, मेरी नसबंदी हो चुकी है, मैं सोनिया को बेबी नहीं दे सकता, मैं तो सिर्फ उसके साथ ऐसे ही रिलेशनशिप में हूँ। तभी हम देखते हैं कि सोनिया मार्केट से वापस आ चुकी है। साइमन के डैड सोनिया से बात करना चाहते हैं, लेकिन सोनिया इस वजह से दुखी थी कि उसके डैड उसको हॉलिडे पे लेके नहीं गए और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस करती है और पूछती है कि बेबी तुम्हें अच्छे से नींद आई क्या। सिर्फ साइमन के डैड को जलाना चाहती थी। और इसके बाद में साइमन के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। साइमन का डैड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि मेरे लिए तुम दोनों का रिलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो दूसरी गर्लफ्रेंड बना लूंगा, लेकिन प्लीज तुम अपनी मॉम को समझा देना कि तुम सोनिया के साथ रिलेशनशिप में हो। ये कह के साइमन का डैड वहाँ से चला जाता है। साइमन अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा भी उसकी सौतन के प्यार में पड़ गया है। अब दोनों माँ बेटे मिलके यहाँ पे रोने लगते हैं, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, पानी तो कुछ बचा नहीं, हाथ में आ गई रेत। कुछ दिनों के बाद में सोनिया एक बेबी को जन्म देती है जो कि साइमन का होता है, क्योंकि साइमन के डैड तो ऑलरेडी वैसेक्टोमी करवा चुके थे। सोनिया को हमेशा से एक बेबी चाहिए था। उसको फ्लैट तो साइमन के डैड ने दे ही दिया था, अब उसको एक बेबी भी मिल गया है और प्यार करने के लिए अब साइमन तो है ही। तो वो सोच रही है कि उसको एक कंप्लीट फैमिली मिल चुकी है। वो डॉक्टर कार्ल के यहीं पे काम करती रहेगी। वो अपना बेबी साइमन के हाथ में देती है। साइमन उसको देख के थोड़ी देर के लिए खुश होता है, लेकिन वो अभी फुल्ली कंफ्यूज है कि उसकी लाइफ के साथ हुआ क्या। उसकी लाइफ जो एक साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेल सेटल थी, वो अपनी फैमिली नेटवर्क में कुछ ऐसा फंसा कि आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ आफत आई। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी